इंडिया में कब पेश हुआ था पहला बजट, इंडिया में किसने पेश किया था पहला बजट, क्या है इंडिया के बजट का इतिहास। 1 फरवरी को देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन अंतरिम बजट पेश करने वाली हैं। इस बार का बजट आम बजट न होकर अंतरिम बजट होगा। लेकिन क्या आपको मालूम है कि भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? यह बजट गुलाम भारत और भारत का ही पहला बजट था। बजट का अपना एक अलग ही इतिहास है जो काफी सालों पुराना है। यानी यूं कहें कि भारत में बजट का इतिहास तकरीबन 164 साल पुराना है। जाहिर है उस वक्त इंडिया के किसी व्यक्ति ने बजट पेश नहीं किया होगा, क्योंकि उस वक्त इंडिया गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। तो चलिए जानते हैं इंडिया में सबसे पहला बजट कब पेश किया गया था, साथ ही ये भी जानते हैं कि इसका श्रेय किसको जाता है। पहला बजट पेश होने की तारीख। बजट किसी भी देश को चलाने वाला लेखा जोखा, जिसमें जनता के हित के लिए कई फैसले किए जाते हैं। सरकार के आर्थिक कार्यों का लेखा जोखा भी इसी के जरिए पेश होता है। जाहिर है जो भी देश जितना पुराना होगा उसके बजट का इतिहास भी उतना ही पुराना होगा। इंडिया के बजट का इतिहास भी काफी पुराना है, क्योंकि इंडिया में 7 अप्रैल 1860 को पहली बार बजट पेश किया गया था। यानी कि आज से 164 साल पहले इंडिया का पहला बजट पेश किया गया था। हालांकि ये आज़ादी के पहले का यानी गुलाम भारत का पहला बजट था, लेकिन आज़ाद और गुलाम भारत मिलाकर पहला बजट यही था। वहीं आज़ादी के बाद पहला बजट 26 नवंबर 1947 में पेश किया गया था। वहीं गुलाम भारत के अंतरिम सरकार का बजट 1947-48 में पेश किया गया था। भारत का पहला बजट ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश क्राउन को भारतीय प्रशासन को हस्तांतरित करने के बाद पेश किया गया था, जिसके बाद से आज तक बजट पेश किया जाता रहा है। किसने पेश किया था इंडिया का पहला बजट? इंडिया में पहला बजट पेश करने का श्रेय जेम्स विल्सन को जाता है। 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन ने ब्रिटिश क्राउन को पहला बजट पेश किया था। वह इंडियन काउंसिल के फाइनेंस मेंबर थे। इंडियन काउंसिल इंडियन वायसराय की सलाह मशविरा देने का काम करती थी। कार्ल मार्क्स जेम्स विल्सन से काफी प्रभावित थे। कार्ल मार्क्स विल्सन को दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों में बेहद ऊंचा स्थान देते थे। वहीं विल्सन द इकोनॉमिस्ट के संस्थापक भी थे। जहां तक आजाद भारत के पहले बजट के पेश होने का सवाल है, उसे स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री षणमुखम शेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। कौन थे जेम्स विल्सन? जेम्स विल्सन को इकोनॉमी का पुरोधा माना जाता था। वो स्कॉटलैंड के निवासी थे। हालांकि उनका परिवार टोपिया बनाकर उसे बेचने का काम किया करता था, इसलिए शुरुआत में तो जेम्स विल्सन ने अपने परिवार के व्यापार में ही हाथ बटाया करते थे। लेकिन उन्होंने अर्थशास्त्र के ज्ञान लेने में धीरे धीरे महारत हासिल कर ली थी। फिर उनकी प्रसिद्धि एक अर्थशास्त्री के रूप में होने लगी। आगे चलकर उन्होंने द इकोनॉमिक्स की स्थापना की। साथ ही वो चार्टर्ड बैंक ऑफ इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया और चाइना जैसी वित्तीय संस्था की भी स्थापक थे। 1859 में प्रशासनिक लेवल पर उनकी नियुक्ति हुई थी। तब उन्हें वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बनाया गया था, जिसके तहत उन पर सरकार की ऑडिट, अकाउंट्स सिस्टम, पे ऑफिस के साथ साथ पेपर करेंसी, इंडियन पुलिस, मिलिट्री फाइनेंस कमीशन और सिविल फाइनेंस कमीशन की भी जिम्मेदारी दी गई थी। इसी दरमियान जेम्स विल्सन ने इंडिया का पहला बजट पेश किया था। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया के साथ।